हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्विक डायमेंशन के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, मैंने स्क्रीन पे आपको कुछ डायमेंशंस के बारे में लिखा हुआ है, और ये देखिए मैंने आपको क्विक डायमेंशन को टाइम सेविंग कमांड क्यों लिखा हुआ है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में डायमेंशन टूल बार और डायमेंशन मेन्यू कमांड और डायमेंशन लीनियर कंटिन्यू बेस लाइन, इन तीनों के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली दो वीडियोस में बताया था। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो को जाके चेक करो, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक यार लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले कि मैंने क्विक डायमेंशन कमांड को टाइम सेविंग कमांड का नाम क्यों दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको इस क्विक नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्विक डायमेंशन का नाम मैंने टाइम सेविंग कमांड क्यों दिया है, क्योंकि ये कमांड हमारी टाइम सेविंग कमांड है। जब हम ऑटोकैड में काम करते हैं तो क्विक डायमेंशन कमांड बहुत ही फास्ट तरीके से काम करती है, एज कम्पेयर टू लीनियर कंटिन्यू और बेस लाइन कमांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे डायमेंशन रेडियस कमांड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, क्विक डायमेंशन कमांड की शॉर्ट की होती है QDIM। ठीक है फ्रेंड्स, डायमेंशन रेडियस कमांड का यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स देखिए, मैं सबसे पहले कुछ यहाँ पे मैं सर्कल बना लेता हूँ, छोटे बड़े कुछ। देखिए ये मैंने रेंडमली कुछ सर्कल बनाए हुए हैं, तो मैं क्या काम करूँगा, मुझे इन सभी सर्कल्स का एक साथ रेडियस पता करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं शॉर्ट की एंटर करूँगा QDIM, एंटर। क्विक डायमेंशन कमांड के लिए अभी ये शो कर रहा है सिलेक्ट ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैं सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा, फिर एंटर करूँगा। अभी यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आपको नहीं देखना है कि स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब ऑटोकैड में आप काम करते हैं और किसी भी कमांड को एक्टिवेट करते हैं, तो एक्टिवेट करने के बाद आपको सबसे पहले कमांड एरिया में मैसेज पढ़ना है कि मैसेज क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारे पॉइंट शो हो रहे हैं, कंटिन्यूस, स्टैगर्ड, बेसलाइन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेडियस की, बात करें तो रेडियस के लिए R एंटर करूँगा, और अभी देखिए मैं कहीं पर एक क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, सभी के सर्कल के रेडियस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थी रेडियस कमांड के बारे में बात। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करेंगे, जैसे मुझे इन सभी सर्कल्स के एक साथ डायमीटर कैलकुलेट करने, तो मैं क्या काम करूँगा, QDIM, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अभी ये शो कर रहा है आपको, यहाँ पे डायमीटर शो कर रहा है, तो डायमीटर के लिए D एंटर करूंगा और एक पॉइंट पिक कर दूंगा। यहाँ पे ये देखिए, सभी सर्कल्स के डायमीटर कैलकुलेट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट कमांड डायमेंशन कंटिन्यू कमांड के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, और मैं डायमेंशन कंटिन्यू कमांड होती है कि किन्हीं भी दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस कंटिन्यूसली कैलकुलेट करना, अगर उससे आगे भी हमारे पास लाइंस हैं। ठीक है, एक तो तरीका मैंने, दो तरीके, दो टाइप्स आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था। ठीक है, एक तो टाइप ये है कि मैं लीनियर कमांड लेके एक एक पॉइंट करके यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा टाइप मैंने ये बताया था कि मैं लीनियर कमांड लेने के बाद कंटिन्यू कमांड का यूज़ करूँ और इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से मैं कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये भी थोड़ा सा एक स्लो यूज़ है, तो मैं आपको फास्ट यूज़ आपको बताऊँगा। फास्ट यूज़ क्या है, उसके लिए मैं करूँगा QDIM, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। और अभी यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू के लिए मैं C एंटर करूँगा, C एंटर। तो ये देखिए, ये मैंने एक साथ सारी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान तरीका था और कितना फास्ट तरीका है। यही फास्ट यूज़ आपको ऑटोकैड में करना है, जब आप ऑटोकैड में काम कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट कमांड है डायमेंशन बेसलाइन कमांड। डायमेंशन बेसलाइन कमांड का यूज़ हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी। सबसे पहले इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, डायमेंशन बेस लाइन का यूज़ होता है कि मैं 1.2 सेकेंड पॉइंट, 1.2 थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस 1 बाई 1 कैलकुलेट कर लूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फास्ट तरीके से मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो बताऊँगा मैं आपको। उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, QDIM एंटर करूँगा, शॉर्ट की होती है क्विक कमांड की, क्विक डायमेंशन कमांड की, सॉरी। और यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पर देखिए आपको नीचे पॉइंट शो हो रहे हैं, तो बेस लाइन कमांड के लिए B एंटर करूँगा, और ये देखिए मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसे शो करिए 1.2 सेकेंड पॉइंट 2, 1.2 थर्ड पॉइंट 4, 1.2 फोर्थ पॉइंट 6। देखिए इसने इस तरह से डिस्टेंस को एक साथ कैलकुलेट किया था। ठीक है फ्रेंड्स,
तो चलिए नेक्स्ट कमांड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारी डायमेंशन स्टैगर्ड कमांड। वो क्या होती है, सबसे पहले इनको डिलीट कर लेता हूं मैं। उसका यूज होता है, देखिए उसके लिए मैं एंटर करूंगा क्यू डी आई एम क्विक कमांड, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अभी मुझे स्टेगर्ड का यूज करना है तो स्टेगर्ड के लिए एस एंटर, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे ऊपर ड्रैग कर दूंगा। इसका यूज देखिए आपके यहाँ पे स्क्रीन पे शो रहा है, इसका यूज होता है 1.2 1 पॉइंट डिस्टेंस कैलकुलेट करना। इसने क्या काम किया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू लास्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किया है और यहाँ पे सेकेंड टू फोर्थ की है कैलकुलेट, ठीक है फ्रेंड्स। सपोज कीजिए, सबसे एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन और बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने एक लाइन और, अभी ये टोटल मेरे पास 7 लाइन्स हो गई, ठीक है 7 लाइन्स। अभी मैं वापस स्टेगर्ड कमांड का यूज़ करूंगा, क्यू डी आई एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्टेगर्ड के लिए एस एंटर। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसने सिर्फ 6 लाइन्स को ही पिक किया है, 7 लाइन को पिक नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिर्फ 1 पॉइंट टू एंड पॉइंट ही डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।